अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। आज रेहान फैमिली ढाबा का जो है आज इब्तदा अमल में आया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन साहब को, जिन्होंने एक गुलबर्गा शहर के अंदर जो हुमनाबाद रोड है, जहाँ पर बहुत ही एक ढाबे एक बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर हैं, यहाँ पर एक बेहतरीन ढाबा यहाँ पर उन्होंने खुला है, जहाँ पर मंदी और दीगर तंदूरी तमाम चीज़ें यहाँ पर रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि गुलबर्गा के लोग यहाँ पर कहीं पे अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि फैमिली सेक्शंस भी अरेंजमेंट है उनके लिए अवेलेबल है। खाना भी है, हैदराबादी जायका जो है यहाँ पर ढाबे के अंदर इंतज़ाम किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन साहब को गुलबर्गा शहर के अवाम का खिदमत करने का मौका देंगे। यहाँ पर नमाज के रूम का भी मैं एक अलग अरेंजमेंट किया गया है, बेहतरीन कुदरत के अंदर बैठ करके मैं समझता हूँ कि एक आउटिंग के लिए बहुत आइडियल प्लेस यहाँ पर जो है एक उन्होंने एक प्रोवाइड किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गुलबर्गा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आ करके इनको अपनी खिदमत का मौका देंगे। शुक्रिया। अल रेहान फैमिली ढाबे का अभी कुछ देर कबल इनॉग्रेशन अमल में आया। इस मौके पर मैं जनाब मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन साहब को और उनकी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, और गुलबर्गे के आवाम से मैं ये ख्वाहिश करता हूं कि वो ज़रूर अल रेहान फैमिली जो ढाबा है उसका विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं कि तावरगिरे से जो रिंग रोड जो शुरू हो रही है, यहाँ पर लोग चाह रहे हैं कि एक अच्छा खुला इन्वायरमेंट हो, जगह हो, ताकि सुकून के साथ अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर आकर के खाना खाएं। तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से ये एरिया भी डेवलप हो रहा है, और ख़ास बात अल रेहान की फैमिली ढाबे की, यहाँ पर स्पेशल मंदी और तंदूर आइटम यहाँ पर रखा गया है और चाइनीज़ आइटम भी रखा गया है। तो मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप ज़रूर इस ढाबे को आप विज़िट करें, और मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह सुबहान ताला मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनकी टीम को दिन दुगनी रात दुगनी चौगनी तरक्की अता फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि तावरगिरा क्रॉस पे एक फूड जोन बन गया, हब बन गया है यहाँ पे खाने का, तो मैं सबसे पहले हमारे अल्ताफ़ साहब को रेहान फैमिली ढाबे के हुनर रहने की वजह से उनको मुबारकबाद देता हूँ, और तमाम गुलबर्गा की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ आकर रेहान फैमिली ढाबे पे जायका का मज़ा लीजिए, और इंशाल्लाह आपको यहाँ का टेस्ट पसंद आएगा। और ख़ास कर मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में कामयाबी दे और इनका जायके का मज़ा दे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ शेख गिल्ला साहब को, जो इतना अच्छा ढाबा ओपन किए हैं। बहुत अच्छा ओकेशन है, यहाँ पे अच्छे आइटम्स मिलते हैं, वेज एंड नॉन वेज। आप अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं। रेहान ढाबा है, बिल्कुल करीब में है गुलबर्गे से। फैमिली को आप ले जा के बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। और इलियास भाई के और उनके उनके ग्रुप को, उनके फैमिली को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक अच्छा ढाबा ओपन किए हैं। पूरे गुलबर्गे वालों को, जो व्यूवर्स देख रहे हैं, सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बार आप आके इसका मज़ा ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। सभी को नमस्कार। आज गुलबर्गा छोड़ के 10 किलोमीटर के दूर पे रेहान फैमिली ढाबा जो उद्घाटन आज किया है, ये गुलबर्गे के नॉनवेज के स्पेशल ढाबा। फैमिली के साथ आए, सुबह भी सेपरेट बैठ सकते हैं। सभी का यहाँ पे मंदी और तंदूरी का, वेज और नॉनवेज का अच्छा खाना है। आगे आने वाले दिनों में अच्छा सर्विस दे के अच्छा नाम ये होटल का होना है। गुलबर्गा से छोड़ने के बाद 60 किलोमीटर तक कौन सा भी ढाबा नहीं है, वैसा ढाबा सिस्टमेटिक बने हुआ है रेहान ढाबा। ये ढाबा आगे आने वाले दिनों में अच्छा चलन दे बोलते हुए
आप यहाँ पे मेरे को बुलाकर जो गुलकुशी किया है, सभी को मैं शुक्रिया अदा कहते हुए मेरा ये बात ख़त्म करता हूँ। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज रेहान फैमिली ढाबा की इफ्तिताह जो है शेख सिराजुद्दीन जुनेदी साहब खिबला के हाथों से अमल में आए, और हम एडवोकेट वहाज बाबा की टीम की जानिब से शेख अल्ताफ और शेख इलियास साहब को मुबारकबाद देते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि इनका कारोबार जो दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की पजीर हो। और मैं अवामुल नास से गुजारिश करता हूँ कि एक बार रेहान फैमिली ढाबे में विज़िट करके यहाँ के